अगेन आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है सब। थैंक यू संध्या आंटी जी, थैंक यू सो मच। एक पद्मा आंटी, एक संध्या आंटी, कविता जी, मेनी मेनी मोर। आप लोगों की आदत हो गई है फेसेस देखने का। चलिए आज का एक और बहुत ही यूनिक जो एक जो लेके आए हैं हम लोग टॉपिक, वो सर ने जो दिया है, फिल्टर एंड रिफाइन थॉट। ठीक है, तो इसको हम पहले फिल्टर को समझेंगे कि फिल्टर का क्या मतलब है। देखिए, फिल्टर का मतलब है जैसे हम शब्दों को मैनिपुलेट करके बोलते हैं, लॉजिक लगाकर बोलते हैं, वो है फिल्टर थॉट्स। जैसे आजकल के जैसे हम सोच समझ के बोलते हैं, जैसे फैमिलीज में होता है या बिजनेस में होता है, तो हम लोग बहुत जैसे उन शब्दों को बहुत एक मैनिपुलेट वे में एक लॉजिक पूरा लगा के हम किसी को अपनी बात बताते हैं। ठीक है, ये हो गए फिल्टर। अब है रिफाइंड थॉट्स। रिफाइंड थॉट्स ये होते हैं कि आपने एकदम से बोल दिया, अपने प्योरिटी भाव से बोल दिया, कुछ भी बोल दिया। ठीक है, तो वो है, उसमें कुछ भी आपने मिलावट नहीं की, कुछ नहीं आया, जो आपके मन में भाव आया आपने बोल दिया, दैट इज अ रिफाइंड थॉट। आप देखिए, इसमें एक चीज ये भी होती है कि जैसे हम बोलते हैं ना कोई कि ये तो बहुत ब्लंट है ना, जैसे उसने कुछ भी उसके मुंह में आया उसने बोल दिया, फटक से बोल दिया। अब वो वर्ड्स कड़वाहट के भी हो सकते हैं, मिठास के भी हो, जैसे उसके मन में आया कुछ भी उसने बोल दिया, ब्लंटली बोल दिया। लेकिन उसके ब्लंटली बोलने के बाद क्या होगा, हमारे रिश्तों में कड़वाहट आएगी। हमने कहीं ना कहीं उसके ब्लंट वर्ड्स को दिल में ले लिया, मतलब दिल पे लगा लिया, एक कह लीजिए कि उसको अब हम भूल ही नहीं पा रहे। अब वो उसने तो बोल के छोड़ दिया, उसका तो काम खत्म हो गया है ना, लेकिन अब हमारा, हमने तो छोड़ा ही नहीं ना, मतलब इसमें भी एक रिफाइंड वर्ड्स में हम इसको भी बोलेंगे। ठीक है, लेकिन सर बोलते हैं कि जैसे 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 हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं ना, परमात्मा का ध्यान करते हैं, तो हम धीरे धीरे हमारी वाणी जो है वो रिफाइंड होती जाती है, वर्ड्स में प्योरिटी आती जाती है, और फिर हम एक डिवाइन वर्ड्स या डिवाइन माइंड से जो है काम करना शुरू कर देते हैं। तो अब देखिए, हम लोग अभी भी, आप जैसे हम लोग काफी टाइम से स्पिरिचुअलिटी में है, तो हम किसी को अगर समझाना चाहते भी है ना, तो हम लोग चाहते भी हैं कि हमारे मन में कंपैशन रहता है कि मैं अपनी बात भी कह दूं और प्यार से कहूं, उसको समझ में भी आ जाए और बात, वो बात समझ भी जाए। हम अपने ऐसे ऐसे वाले वर्ड्स उतर के आते हैं, ऐसे वाले मैसेजेस उतर के आते हैं कि हम उसको बोलते हैं तो उसको समझ भी आते हैं। जैसे बोलो कि प्यार की भाषा एक डेवलप होती है अलग तरीके से, जो जिसका समझाने का तरीका ही प्यार से है, मतलब रिफाइंड होके वर्ड्स आ रहे हैं, जिसमें हमारी इंटेंशन उसको किसी को हर्ट करने की नहीं है, मतलब लव और कंपेशन से उसको समझाना है। तो इसका सबसे बिगेस्ट एग्जाम्पल जो दिया वो सर ने दिया कृष्णा का। जो कृष्णा है, आपको पता है कि उन्होंने सबको सबको मतलब समझाते थे और उनको सबको समझ में भी आती थी, लेकिन कृष्णा से कोई गुस्सा नहीं करता था। ठीक है, अभी इस बात के सर ने बोला कि जैसे करण को भी उन्होंने समझाया लेकिन वो नहीं समझे, राइट। तो एक चीज पे मैंने, एक इस पे मैंने सर से एक क्वेश्चन पूछा था। मैंने कहा, सर ये जैसे हम लोग सपोज हम अपने एक नॉर्मल लाइफ में, हम जब क्या कहते हैं, सपोज मुझे किसी के घर में कोई इनविटेशन आया है, राइट, तो मैंने, अब मुझे पता है उसके घर में जाके पूरा दिन मतलब मेरा खराब जाएगा, पार्टी वार्टी एंड ऑल, आई डोंट वांट टू गो। ठीक है, तो मैंने जैसे उसको झूठ लिख दिया कि सॉरी आई कुड नॉट कम बिकॉज आई एम बिजी समवेयर, और जो भी है, मैंने उसको एक, उसका मन था जो कि उसका भी मन रहे मेरा भी, मैंने एक वर्ड लिख दिया कि मैं कहीं बिजी हूँ, लेकिन जबकि मैं बिजी नहीं हूँ। मैंने कहा, बोला सर को, मैंने कहा सर लिखा तो मैंने अल्टीमेटली झूठ ही ना, मैंने तो झूठ लिखा, मैं तो जा सकती थी बट मैंने उसको लिखा झूठ के मैं नहीं आ सकती। ठीक है, बट सर ने मुझे एक चीज बोला कि नहीं, मतलब तुमने इसलिए लिखा क्योंकि तुम उसको हर्ट नहीं करना चाहती, बिकॉज पीछे की इंटेंशन इज मैटर, ये झूठ नहीं है।
क्योंकि तुम उसका दिल भी रखना चाहती थी, उसको हर्ट भी नहीं करना चाहती थी, तो इसलिए तुमने ये वर्ड्स को यूज किया। इस पे सर ने एक और चीज ऐसे ही बोला, कहती ऐसे ही जब करण दुर्योधन और करण की बात करी, कहते इसीलिए करण दुर्योधन को युद्ध के लिए मना नहीं कर सके, इसी वजह के कर, बिकॉज पहले के लोग रिलीजन में बहुत थे और इसी की वजह से उसको युद्ध करना पड़ा और बाद में दोनों ही गिल्ट में गए, राइट। लेकिन अब जो स्पिरिचुअलिटी है उसमें हम लोगों को समझ में आ गया है कि कैसे प्यार से हम लोग उनको मना कर सकते हैं, सो दैट कि उनको हर्ट भी ना हो और वो बात को अपनी समझ भी जाए, ठीक है। अब हमारे ज्यादातर देखिए एक एक बहुत ही, जब हम PLR होता है जब हमारे इधर, तो बहुत सारे लोग ना एकदम से रोते हैं, अपने इमोशंस को दबाया होता है, उसने मुझे ये बोल दिया था तो अभी तक मैंने पकड़ा हुआ है, तो दे फील लाइक क्राइड, और जैसे ही उनके अंदर से वो सब निकलता है ना, वो एकदम से शांत हो जाते हैं, रिफाइन हो जाते हैं। ऐसे ही हमारे जब रिट्रीट्स में जो लोग आए हुए हैं, एक गिब्रिश करके एक मेडिटेशन करवाई जाती है, इट्स लाइक वेरी फनी मेडिटेशन, इसमें बहुत मजा आता है। उसमें क्या होता है ना कि उसमें आपको अपनी लैंग्वेज नहीं बोलनी है, गिब्रिश में ऐसे होता है जैसे आपको अपनी लैंग्वेज नहीं बोलनी है, चाहे आपको हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, वॉट एवर द लैंग्वेज यू नो, आपको वो नहीं बोलनी, उसके अलावा कुछ भी बोलना है। तो इट इज जस्ट लाइक ऐसे, जैसे अब मुझे हिंदी आती है, पंजाबी आती है, इंग्लिश आती है, मैंने वो नहीं बोलनी, तो मैंने कुछ भी बोलना है, तो ऐसे बोलेंगे, इट्स लाइक फनी है ना। लेकिन आप मानोगे नहीं, उसमें लोगों का गुस्सा निकलता है, उसमें लोगों के इमोशंस बाहर निकलते हैं, और उसके बाद फिर जब वो मतलब होता है 5-7 मिनट्स का ये प्रोसेस रहता है, लोग हम एक दूसरे के साथ बिना कुछ भी है, कुछ भी बोलते जाना, एक दूसरे के साथ एक्शन करते जाना है, बस वो, अब उसको भी बुरा नहीं लग रहा और मेरे इमोशंस भी बाहर निकल रहे हैं, और एंड में फिर हम लोग साइलेंस में चले जाते हैं, मतलब आराम से साइलेंस में मेडिटेशन में जाते हैं। मतलब उसमें भी क्या है कि अल्टीमेटली हम अपने इमोशंस को बाहर निकाल के हम अपने आप को रिफाइन कर रहे हैं। अभी तक का जो भी ये मेडिटेशन प्रोसेस रहता है हमारा, एक्चुअली हम अपने आप को रिफाइन कर रहे हैं, अपने थॉट्स को रिफाइन, बार 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 अपने आप को प्रोग्राम करते हैं, सो दैट। और अभी क्या है ना कि अभी हम लोगों को ये प्रोग्रामिंग अब इसमें करनी है। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, मेरे बेटे की ग्रेजुएशन सेरेमनी थी, जैसे बोलते हैं 12th की फेयरवेल पार्टी, राइट। तो उसमें ना जैसे इनकी 12th क्लास, जो 12th ई सेक्शन था, वो सोच लो कि सबसे, वो कह रहे हैं कि नॉटीएस्ट सेक्शन रहा होगा। तो उस साल इस साल जो है इन बच्चों ने अपनी उस टीचर को बहुत तंग किया कह लीजिए। तो मेरा बेटा मुझे आया तो कहता, मम्मा आज तो मैम ने ना हम लोगों को बोला भी, बस बहुत ही प्यारे वे में उन लोगों ने हम लोगों को बोल भी दिया। तो मैंने कहा क्या बोला, तो वो मुझे ना वो दिखा रहा था अपनी ग्रेजुएशन सेरेमनी की थोड़ी वीडियोस दिखा रहा था, उसमें उसकी टीचर ने क्या बोला, जैसे अब वो ऐसे तो बोलने की नहीं, जैसे अब मैं आपको समझा कि आप लोगों ने मुझे बहुत तंग किया, मैंने बहुत सहारा या फलाना फलाना ऐसे बोलते ना अगर बोलने, फिर उसने ऐसे बोला, पहले उसने थैंक यू किया कि आप लोगों ने मुझे बहुत एक अलग तरीके से नॉलेज दिया जो भी है, फिर उसने बोला थैंक यू फॉर द अमेजिंग रोलर कोस्टर राइड। उसने अपनी बात भी बोली और उसने अपना मतलब बोल भी दिया, तो कहता मम्मा वी लाफ्ड द लाउड, मतलब हम बहुत हंसे कि मैम को हमने सच में बहुत तंग किया, नो किया भी होगा बच्चों ने, और कहता मैम ने सिर्फ एक वर्ड में ऐसे बोला, और मम कहता मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैम ने, हम लोग डर रहे थे कि पता नहीं क्या टीचर बोलेंगी, बट दिस इज कॉल्ड रिफाइंड, मतलब यू नो, मतलब रिफाइंड ही बोलेंगे इसको, फिल्टर्ड ही बोलेंगे, उसने मतलब रिफाइंड, सॉरी रिफाइंड ही बोलेंगे, उसने उनको मतलब हर्ट भी नहीं किया और प्यार से अपना बोल भी दिया, राइट। सो दिस इज जो मुझे होता है कि हमारा टॉपिक आने से पहले ना मुझे कुछ ना कुछ लगे हम लोगों को एक्सपीरियंस मिल जाता है, तो अभी एकदम से मुझे ध्यान में आया, उसकी वर्ड ध्यान में आए टीचर के, तो मैंने कहा नहीं अब मुझे बोलना चाहिए। तो ऐसे ही है, तो सर ने वही बोला, जो कृष्ण है आज भी पूरे कॉर्पोरेट में सबसे ज्यादा इनको माना जाता है और इनके वर्ड्स को लिया जाता है,
बिकॉज कृष्ण वन द ओनली जिन्होंने इन इन डिवाइन माइंड से चले और अपने उसको तरीके को लेके आए आगे उसमें जब हुआ तो दिस इज अ फिल्टर डिफाइंड थॉट्स. अब हमने अपने इस मेडिटेशन में क्या करना है कि ज्यादातर हम अपने आप को प्रोग्राम करेंगे कि कहाँ कहाँ हमने अभी भी लोगों की बातों को लिया हुआ है, वो सामने बात लेकर आएंगे, थोड़ा सा ही वर्ड्स रहेंगे, थोड़ा साइलेंस में रहेंगे और जो जो चीजें आपके उस टाइम ऊपर आ रही हैं, जिन लोगों की बातें अब तक आपको लगती हैं कि भयंकर चुभी हुई बातें हैं, तो वो लेके आएंगे बिकॉज उन्होंने वो तो बोल के चले गए, लेकिन अब हमको भी वो लेट गो करना है, उनको फॉरगिव करना है, वो अंदर से रिलीज करना है. तो ऐसे करते करते हम अपनी आज मेडिटेशन करेंगे. ठीक है, तो चलिए आई थिंक एक मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर उसके बाद आप रेडी हो जाइए मेडिटेशन के लिए. ठीक है, चलिए आंखें बंद करेंगे. एवरीवन क्लोज योर आईज, आंखें बंद, सांसों पर ध्यान. अपने आप को फिर से उसी पिरामिड में देखेंगे, इन अ गोल्डन पिरामिड. बहुत सारे डिवाइन मास्टर्स हमारे साथ आज, महावतार बाबा जी एंड ऑल द सिद्धार्थ, साईं, माँ दुर्गा, Mother Kuan Yin, Mother Mary, Jesus, Krishna, Maradha. Focus on your heart chakra. Breathe in, breathe out through your heart chakra. Connect with the core of your heart chakra. Bahut pyari lights, green light, pink light, silver, golden, purple. जैसे सीधा हमारे oval shape aura में enter करती हूँ. Beautiful rainbow light, beautiful light color. पूरा पिरामिड डिवाइन लाइट कलर से भरता हुआ
धीरे धीरे ऑरा से हमारे स्किन के अंदर वो लाइट्स जाती हूँ, लाइट पूरी बॉडी में फैलती हुई, लेग्स में, आर्म्स में, शोल्डर, फेस, नेक, पूरा एक एक सेल में डिवाइन लाइट उतरती हुई, ब्यूटिफुल रेनबो लाइट इंटू आर डीएनए ऑन आर नर्वस सिस्टम, पूरे हेड में, स्टमक एरिया, लॉन्ग इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, पूरा बैक में एक एक वर्टिब्रे, लोअर बैक, मिडल बैक, अपर बैक, पूरी वेन्स में, देखिए अपने आप को पूरा बॉडी जैसे रेनबो लाइट से भरता हुआ, ब्यूटीफुल कलर्स के साथ एक एक सेल जैसे शाइन करता हुआ, देखिए आसमान से जैसे स्पाइरल में घूमते घूमते मिलियन ट्रिलियन करुणा के सिंबल्स इन अ गोल्डन बॉल, जिनको सिंबल्स नहीं पता, दे कैन विजुअलाइज ओम सिंबल इन द गोल्डन बॉल, धीरे धीरे रिवॉल्व होते हुए नीचे की ओर उतरते हुए हमारे क्राउन चक्रा में एंटर करते हुए, धीरे धीरे क्लॉकवाइज घूमते हुए हमारे अंदर एंटर करते हुए हमारे चक्रास में, क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा, थ्रोट चक्रा, एक एक चक्र को क्लींस करते जा रहे हैं और ऊर्जावान करते जा रहे हैं, हार्ट चक्र, बहुत ही सॉफ्ट टच सिंबल्स का, मणिपुर चक्र, क्लॉकवाइज घूमते हुए पूरे एक एक चक्र को एनर्जाइज करते हुए, सेक्रल चक्र, रूट चक्र, दोनों लेग्स में पूरी लाइट सिंबल्स जाते हुए और पूरी लेग्स से पूरी हमारी रूट्स जो निकली हुई है मदर अर्थ में जाती हूँ, तब में वो सिंबल्स फैलते हुए पूरी अर्थ में, देखिए वो सिंबल्स फैलते हुए पूरी अर्थ जैसे उन करुणा के सिंबल्स से भरती हुई, फैलते जा रहे हैं, देखिए अर्थ में जाते जा रहे हैं, पूरी अर्थ में रूट्स फैलती हुई, सिंबल्स फैलते हुए पूरी अर्थ जैसे गोल्डन होती हुई, अब मदर अर्थ से सब इंटीग्रेट होता हुआ, पूरी रेनबो लाइट मदर अर्थ में जाती हूँ, हम पूरी तरह से ग्राउंड होते हुए
अब माँ से बहुत सारा पेशेंस, बहुत सारा लव, बहुत सारी फॉरगिवनेस उन रूट्स के थ्रू अपने अंदर लेकर आते हुए धीरे धीरे सोल्स के थ्रू हमारी लेग्स में माँ की दिव्य ऊर्जा जो प्यार से, पेशेंस से, फॉरगिवनेस से भरी हुई है, धीरे धीरे वापस हमारे लेग्स में एंटर इनटू आवर रूट चक्रा, सेक्रल चक्रा, मणिपुर चक्रा एंड एंटर इनटू आवर हार्ट चक्रा। देखिए जैसे कोई बहुत ही प्यारा पिंक कलर का कलश जो क्रिस्टल का बना हुआ है, रोज क्वार्ट्स का बना हुआ है, इतना सारा प्यार जैसे हमारे हार्ट चक्रा में उतरता हुआ, बहुत सारा पिंक लाइट से भरा हुआ हमारा हार्ट, जैसे हार्ट चक्रा खुलता जा रहा है, खुलता जा रहा है, खुलता जा रहा है। अब धीरे धीरे हमारे अंदर जो भी हार्ट चक्रा में दबा हुआ है, लोगों की जो भी वर्ड्स, बातें, मनमुटाव, वो सब एक एक करके सामने लेकर आएंगे। सबसे पहले अपनी फैमिली को देखें, देखें किसने आपको, आपकी फैमिली में से किसने आपको अशब्द बोला, जैसे तीखी धार से बोले हुए शब्द जो अभी भी आपको दर्द दे रहे हैं, उस समय को अपने सामने लेकर आए। कोई नहीं देख रहा आपको, आप हैं परमात्मा, माँ है, कोई शर्म नहीं हमें, वो तो सब जानती है ना। जो जो आपको लग रहा है, जो भी आपको फील हो रहा है, वो सब माँ को बोल दे। सब निकाल दें, सब देखें, जस्ट बी एन ऑब्जर्वर। उस टाइम में जा रहे हैं आप, उस टाइम में हैं, एक से ज्यादा लोग भी हो सकते हैं, इट इज ओके। बस जो भी याद आता जा रहा है उसको रिलीज करते जाएं या माँ के चरणों में सौंपते जाएं कि माँ ये शब्द मुझे उसके बुरे लगे तो अब इन शब्दों का मेरे लिए कोई काम नहीं है, कि मुझे कोई हेल्प नहीं कर रहे बल्कि मुझे तकलीफ दे रहे हैं, मैं इनको तुम्हारे चरणों में सौंपती हूँ, अपने से रिलीज करती हूँ। और जिस जिस इंसान ने आपको जो भी अपशब्द बोले उनको माफ करते जाएं और उनसे कॉर्ड्स कट करते जाएं। कुछ समय के लिए अपने भीतर जाकर ये काम करें।
अपने फैमिली में आपके माँ बाप भी आते हैं, आपके भाई बहन भी आते हैं, सास ससुर, योर इन लॉज, सिस्टर इन लॉज, सभी फैमिली मेंबर्स को देखें, किसकी बातें हैं जो आपने अभी तक दिल में लगाई हुई है। रिलीज कर दे आज, माँ के चरणों में दे दे आज सब, वो भी टाइम याद करें जब आपको किसी ने अच्छे से नहीं बुलाया या आदर सत्कार नहीं दिया और आप नाराज होकर बैठे हैं, वो भी अपने अंदर से रिलीज करें। मेरा रब राजी तो सब राजी, इसको रिप्रोग्राम करें। उनसे माफी मांगते जाएं, और उनसे कॉर्ड्स कट करते जाएं, और साथ ही साथ आज आपका पूरा हार्ट चक्र पिंक एनर्जी से भरा हुआ है, कंपैशन की लाइट से भरा हुआ है। सारी की सारी पिंक लाइट उनके ऊपर भेजते हुए थ्रू हार्ट चक्र, माफ करते जाएं, माफ करते जाएं। अभी भी कुछ धीरे धीरे पॉप अप और होते हुए वर्ड्स और टाइम पीरियड फिर से पॉप अप होता हुआ, फिर से माफ करें, वर्ड्स को रिलीज करें। अगर वर्ड्स नहीं भी याद आ रहे, अगर वो सिर्फ सीन याद आ रहा है, तो पूरा का पूरा सीन का जैसे एक नेगेटिव होता है, वो इम्प्रिंट है, उसको रिलीज करें और उसे कॉर्ड्स कट कर दें। जो भी कर रहे हैं उसके पीछे हमारा इंटेंशन तो फॉरगिवनेस, खुद को रिलीज करना है चीजों से जो पकड़ी हुई है। और हार्ट चक्र पर लाइट उतरती हुई एक बार फिर से अपनी पूरी परिवार से दिल से फॉरगिवनेस करेंगे। I'm sorry. Please forgive me. I love you. Thank you. I'm sorry. Please forgive me. I love you. Thank you. I'm sorry. Please forgive me. I love you. Thank you. एक दूसरे से वार्तालाप करते हुए, अगर आप लोगों ने मुझे कभी भी हार्श वर्ड्स बोले हैं, मैंने अभी भी पकड़ के रखे हुए हैं, तो वो सारे हार्श वर्ड्स आज मैं रिलीज करती हूँ और आप सबको माफ करती हूँ। और अगर मैंने कभी आप लोगों को हार्श वर्ड्स बोले हैं, आप लोग भी उस हार्श वर्ड्स को रिलीज कर दें। देखिए उनके हार्ट चक्र से वो आपके कहे हुए वर्ड्स बाहर निकलते हुए
और दिव्य ऊर्जा में जाते हुए वो सभी जन आपसे माफी मांगते हुए और आप प्यार से सबको माफ करते हुए लेट इट गो जाने दें। अगर आंसू आ रहे हैं तो आने दें, बहने दें, इट इज ओके। आंसू भी जरिया है माफी का, इट इज ओके। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए अपने फ्रेंड सर्कल को। बहुत सारे फ्रेंड्स हैं आपके, अगर इनमें से कभी आपके फ्रेंड्स ने आपको हर्ट किया है, भद्र भाषा बोली है, तो उनके वर्ड्स को आप आज रिलीज करते हैं। अपने अंदर जाएं और देखें कौन कौन सी चीजें, कौन कौन सा सीन आपके सामने आ रहा है। इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ। जो जो सीन सामने आते जा रहे हैं, मे बी आप वर्ड्स भूल के हो, तो सीन को अपने अंदर से, हार्ट से निकालते हुए माँ के चरणों में डालते जाएं, रिलीज करते जाएं। खाली करते जाएं अपने हार्ट चक्रा को। अब उस टाइम को याद करें जब आपने कुछ अपशब्द अपने फ्रेंड्स को बोला, देखे उन्होंने कब, कौन से टाइम पे जब जब कभी आपने कुछ गलत वर्ड्स यूज किए, उस टाइम उस सिनेरियो में जाइए, एक दूसरे से फॉरगिवनेस कीजिए। देखें आप एक दूसरे के सामने खड़े हैं, दिल से प्यार से आपके हाथ चक्र से पिंक लाइट उस फ्रेंड्स तक जाती हुई, आई एम सॉरी वो भी यही दोहराते हुए आपको, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, I love you, thank you, I'm sorry, please forgive me, I love you, thank you, I'm sorry, please forgive me, I love you, thank you। एक दूसरे के साथ कॉर्ड्स कट करेंगे, कट कट कट
देखें आपके अंदर से वो सब डिलीट होकर बाहर निकलता हुआ, मदर अर्थ में सब जाता हुआ, मदर अर्थ की लाइट में सब जाता हुआ, आपका हार्ट चक्र और पिंक होता हुआ, अभी अपना ध्यान वहां लाएंगे जब जब हमने कभी अपने देश के किसी कंट्री के बारे में, किसी स्थान के बारे में, सरकार के बारे में, कभी भी हमें मंत्रियों के बारे में या किसी के लिए भी कोई भी अपशब्द बोलते हैं। देखें मोस्टली हम गवर्नमेंट को कितना कुछ बोल देते हैं अनइंटेंशनली। हम किसी को भी नहीं जानते और कुछ भी मन में आया और बोल देते हैं। देखिए उन न्यूज़पेपर्स को, जब जब हमने न्यूज़पेपर पढ़ा और हमने उनकी बुराई करना शुरू कर दी। I can see the ministers, those who are working honestly, but still हम लोग उनको बुरा बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं। कंट्रीज, उनके राष्ट्रपति, उनके लोगों के बारे में, उनके रहन सहन के बारे में, जिनको हम जानते तक नहीं, कभी मिले तक नहीं, बस उनकी बुराई, उनके बारे में बुरा भला कहना शुरू कर दिया। इंटेंशन डालेंगे आज चक्र से वो लाइट, अब याद तो नहीं किसको क्या कहा, कब कहा, क्या वर्ड्स यूज किए, पर कहा तो है, इंक्लूडिंग योर टीचर्स आल्सो। हम टीचर्स के बारे में बहुत बड़ा भला उनके पीछे से बहुत कुछ बोलते हैं, सबको सामने लेकर आए। उनसे फॉरगिवनेस करें, अपने मन की जो भी कड़वाहट उनके ऊपर फेंकी है हमने, उन पर बहुत सारे दिव्य ऊर्जा डालते हुए, प्यार की ऊर्जा में कन्वर्ट करते हुए, पिंक लाइट अपनी टीचर्स के ऊपर, प्लेसेस के ऊपर, पूरी गवर्नमेंट्स के ऊपर, हम अपने भारत माँ के बारे में ही कितना कुछ बोलते हैं, सारी लाइट डालते जाएंगे, पिंक लाइट आज आपके हार्ट चक्र से निकलती जा रही है, निकलती जा रही है। अंदर प्यार का भाव लेकर आए, मन में बोलेंगे अगर मैंने कभी भी जाने अनजाने या इग्नोरेंस की वजह से किसी को भी अपशब्द बोले हैं, अभद्र भाषा किसी के लिए यूज की है, चाहे वो कंट्री है, प्लेस है, पीपल है, एनिमल है, टीचर्स हैं, कोई थिंग है, किसी के लिए भी कुछ भी ऐसा अपशब्द अभद्र भाषा की बोली है, उन हर चीज से मैं माफी मांगती हूँ। I am sorry. Please forgive me. I love you. Thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you. Thank you.
आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। धीरे धीरे देखिए आपका हार्ट चक्र और एक्सपैंड होता हुआ। देखिए जैसे हार्ट चक्र पूरे, उसकी रोशनी पूरे आपके कमरे तक फैलती हुई और बड़ा होता हुआ, जैसे पूरे आपके सिटी में इसकी ऊर्जा फैलती हुई, पूरे देश में आपकी ऊर्जा फैलती हुई, इतना बड़ा हार्ट चक्र होता हुआ। माँ आपको सबसे प्रिय तोहफा कंपैशन का, फॉरगिवनेस का, पेशेंस का देती हूँ। बहुत बड़ा कहते हैं जिसका बहुत बड़ा दिल है, और सबसे बड़ा दिल तो शायद माँ धरती का है, जो प्यार से सब सहती जाती है। पेशेंस से, लव से, केयर से, अपना ध्यान थर्ड आई चक्र पर लेकर आए, और थर्ड आई चक्र से हार्ट चक्र, हार्ट चक्र तो थर्ड आई चक्र, श्वास लेते जाएंगे। देखिए श्वास जैसे थर्ड आई से हार्ट तक जाता हुआ, और हार्ट से फिर थर्ड आई तक, हार्ट और माइंड वननेस में आते हुए, एक होते हुए, एक मिक होते हुए, नाउ फोकस ऑन योर थर्ड आई चक्र। हम जो भी बोलेंगे हार्ट चक्र आपका माइंड के साथ कनेक्ट हो गया है, हार्ट चक्र आपका एक्सपैंड हो चुका है, प्यार, फॉरगिवनेस, एक्सेप्टेंस, पेशेंस, श्रद्धा, सबूरी, सब आपका एक्सपेंशन में परमात्मा आपके हार्ट चक्र में सब डालते हैं, और आपकी ट्यूनिंग आपके माइंड के साथ करते हुए, और जब भी आप किसी से बात करेंगे, वार्तालाप करेंगे, किसी के बारे में भी बोलेंगे, तो वो बहुत ही कंपैशन से निकले हुए वर्ड्स होंगे, प्योरिटी के वर्ड्स होंगे, परमात्मा के वर्ड्स होंगे। अब आप डिवाइन माइंड से काम करें, इसमें कोई जजमेंट नहीं हो, सिर्फ प्यार है। देखें अब आप कोई भी आपको अगर कुछ बोल रहा है, तो आप समझ पा रहे हैं, ये आदत है ऐसे बोलने की, बट मेरी कॉन्शियसनेस, परमात्मा से जुड़ी हुई चेतना, मेरा माइंड परमात्मा से जुड़ा हुआ है, तो बहुत उस कंपैशनेट
बहुत सही ढंग से उसको अपने अंदर तक नहीं आने दे रहे, और बहुत ही प्यारे भाव से अपनी बात को समझा दिया, कह दिया और उसने मान ली। धीरे धीरे जब ये प्रैक्टिस में आता जाएगा डे बाय डे, तो आप खुद परमात्मा की तरह जो प्यार से भरा हुआ, प्यार की वाणी से भरा हुआ, जिसमें कोई जजमेंट का भाव नहीं है, उसकी तरह होते हुए जो भी वर्ड्स निकलेगा वो कंपैशन से भरा हुआ, इसके पीछे एक प्यार की इंटेंशन होगी, किसी के अच्छे के लिए इंटेंशन होगी, और जहां प्यार भाव और परमात्मा हो वहां मैनिफेस्टेशन तो होता ही है। हमारी वाणी पर, शब्दों पर, हमारे थॉट्स पर परमात्मा विराजमान होता हुआ, मेरी जीभा पर माँ सरस्वती की वाणी विश्राम करती हुई, दिव्य दृष्टि जिस किसी को भी देखते ही, जब भी मैं किसको देखूं वो दिव्य दृष्टि इतनी प्योर हो, इतनी सरल है कि उसका अपने आप ही माइंड चेंज होता हुआ, और कोई भी मेरी इजाजत के बिना मुझसे गलत वार्तालाप ना करता हूं। और प्रबल होता हुआ, इंटेंशन प्रबल होती हुई, वाणी और शुद्ध होती हुई, जिसमें शक्ति है किसी को शांत करने की, समझने की, वो हर गुण जो परमात्मा का है सब मुझ में उतरता हुआ, सब रिप्रोग्राम होता हुआ, कृष्णा की सारी क्वालिटीज मैं आज अपने अंदर इंटीग्रेट करती हूँ। I integrate all the qualities of Krishna in me. I integrate all the qualities of Krishna in me. I integrate all the qualities of Krishna in me. Be in this moment for a few seconds. Let integrate all the energies. Jo bhi reprogram hua, jo bhi humne download kiya, let it integrate. Let it integrate. Let it integrate.
धीरे धीरे अपनी सामान्य अवस्था में आएंगे। सभी दिव्य शक्तियों का, माँ सरस्वती का, कृष्ण का, माँ धरती का, सबका धन्यवाद करेंगे। हाथों पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे, अपनी पूरी बॉडी में अपनी चेतना को फील करेंगे, अपने रूम के टेम्परेचर को फील करेंगे। धीरे धीरे हाथों पैरों की उंगलियों को हिलाते हुए, पूरी बॉडी को फील करते हुए, नाभि से 3 बार कट करते हुए, कट कट कट, और आंखें खोलेंगे। थैंक यू सो मच। बहुत मजा आया, really enjoyed the session. मुझे भी सच में बहुत मजा आया, थैंक यू सो मच, थैंक यू संध्या आंटी जी, थैंक यू। चलिए कल एक और टॉपिक के साथ कल फिर मिलते हैं, पर हम तो कल जा रहे हैं शिरडी के लिए, तो हम तो कल उड़ने वाले हैं साईं बाबा के साथ। तो हमारी नेक्स्ट रिट्रीट जो है 9-13 वहां पे है ऋषिकेश में, जो भी आना चाहते हैं माँ गंगा के दर्शन, यहाँ पे 5 एलिमेंट्स पूरे बैलेंस्ड हैं, और जहाँ का ऑरा यहाँ से 10 टाइम्स ज्यादा है, नॉर्मल सिटी से ज्यादा है, तो वहां पर मेडिटेट करना, 5 दिन रहना, ये बहुत ही भाग्य की बात होती है। सो जो जो आना चाहते हैं प्लीज एनरोल योरसेल्फ, बिकॉज ये एक रिट्रीट ऐसी चीज है जो शायद मैं शब्दों से बयान नहीं कर सकती। वी कैन ओनली एक्सपीरियंस, जिन्होंने किया हुआ है वो सब जानते हैं। सो जो भी आना चाहता है, आप एक इंटेंशन डालिए तो देखिए आप जरूर पहुंचेंगे, ठीक है। चलिए अब शिरडी में सबके लिए प्रेयर करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, थैंक यू।